As you can see, I have written our today's topic on the board, which is exercise number 8B of a textbook. In our previous lecture, we had started 8th chapter, that is algebraic expressions. Today, we shall explore it more. Okay, algebraic expressions क्या होता है? वो मैंने आपको already सिखा दिया है. अब यहाँ पे हम उसके ऊपर ज़्यादा study करेंगे. Before starting the exercise number 8B, I shall explain you some theoretical concepts which are going to come or which are going to be useful in our exercise number 8B. Variables and constants. जब आप algebra use करते हो तब आपके पास दो type के numbers होते हैं या तो दो types के symbols you can say होते हैं. You come across two types of symbols while using algebra. So these two symbols are called variables and constants. अब variable क्या है and constant क्या है वो मैं आपको सिखाती हूँ. Symbol having a fixed numerical value is called constant. जिसकी numerical value fixed है उसको हम constant बोलते हैं. मतलब उसकी value sum to sum या number to number change नहीं होती है, एकदम fixed है. 5 की value every time 5 ही होती है, 7 की value every time 7 ही होती है. फिर आप उसको add करने जाओ किसी और number में या subtract करने जाओ या multiply करने जाओ, 7 will remain 7 और any other number also will remain as it is or their value will remain as it is. So these all numbers are or numerals are called constants. जो नंबर है उनकी वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं होती है, वो ही एज इट इज रहती है, तो उनको आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट. एंड द अदर थिंग वेरिएबल इज दैट अ सिंबल व्हिच इज हैविंग वेरियस वैल्यूज, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज यू कैन से, और अ सिंबल व्हिच चेंजेस इट्स वैल्यूज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ओके, उनकी जो वैल्यू है उसमें भी वैरायटी होती है, इसलिए उनको वेरिएबल बोलते हैं. कांस्टेंट मतलब क्या, एवरी टाइम सेम वैल्यू, ओके, नो चेंज. एंड वेरिएबल मतलब एवरी टाइम वैरायटी, एवरी टाइम की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है. तो आप एलजेब्रा में जो नंबर्स यूज, सॉरी अल्फाबेट, स्मॉलर अल्फाबेट यूज करते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे है वेरिएबल्स है. 1, 2, 3, 5 all are used are called constant because they stick with their values. वो अपने values पे एकदम stick होते हैं. अब algebraic expression क्या है? Is a combination of constants and variables connected by any one or more of the symbols plus, minus, multiplication and division. एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल, सॉरी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, देन डू आई विल रिपीट हियर. वेरिएबल एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट मतलब नंबर्स होते हैं उसमें, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स जहां पे आप अल्फाबेट, स्मॉलर अल्फाबेट यूज करते हो, एंड दिस बोथ आर कनेक्टेड विथ बेसिक मैथमेटिकल operations like plus, minus, multiplication or division. Okay, variables या तो algebraic expressions क्या है? A combination of constant and variables which are connected by the basic mathematical operators plus, minus, multiplication or division. Okay, now we will see the different types of expressions. Okay. The several parts of the expression are separated by the sign plus or minus are called the terms of the expressions. जैसे जैसे बीच में प्लस साइन आ गई, फिर दूसरा टर्म आया, ओके, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, तो प्लस एंड माइनस से जो ये देख लो आप यहाँ पे 8a plus 5b minus 10c, तो मैंने प्लस किया फिर 5b लिखा तो ये दूसरा टर्म हो गया, ओके, माइनस किया फिर 10c लिखा तो ये थर्ड टर्म ऑफ द वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गया. तो जो प्लस एंड माइनस से एक्सप्रेशन के पार्ट्स जो है वो सेपरेट होते हैं, उनको ईच एंड एवरी पार्ट को आप क्या बोलते हो, टर्म.
Here, the terms of this variable or an algebraic expression is 8a, 5b and 10c. Okay? जो प्लस एंड माइनस से सेपरेट होते हैं उनको एक्सप्रेशंस के टर्म्स बोला जाता है. ओके, तो एक्सप्रेशंस के ईच एंड एवरी पार्ट को टर्म बोलते हैं, ये आपने देख लिया. अब हम एक्सप्रेशंस के टाइप्स देखेंगे. ठीक है, मोनोमियल्स इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ओनली वन टर्म. ओके, जो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 5x, तो ये एक ही टर्म है, इसमें प्लस माइनस और दूसरा तीसरा कोई भी टर्म है नहीं, तो इसलिए ये क्या है, ये मोनोमियल है. ओके, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विल कम इज बाइनोमियल. तो बाइनोमियल में क्या होता है, टू टर्म्स होता है. हियर यू कैन सी 2x that is before plus and 5y that is after plus. So here there are two terms, so these will be called binomial. Okay, next number is trinomial. So trinomials is an expression containing three terms, जिसमें तीन terms है. For an example, 4a plus 5b plus 6c. तो इसमें altogether कितने terms है, plus के बाद, plus से पहले सबसे पहला term है, फिर plus के बाद में दूसरा term है, दूसरी बार plus आ गया और उसके बाद भी एक term है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो altogether three terms are there. So this is called the trinomial. जिसमें तीन है वो trinomial है. फिर क्या आता है, विच टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कम्स इज क्वाड्रिनोमियल्स, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग फोर टर्म्स, जिसमें चार टर्म्स होते हैं उसको आप क्वाड्रिनोमियल बोलते हो. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल टुगेदर फोर टर्म्स है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रिनोमियल्स. जैसे जैसे इनके नाम है वैसे वैसे उतने इनमें टर्म्स होते हैं. अगर आपको इन सब का मोनो, बाइनो, ट्राइनो इनका मीनिंग पता है तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि इसमें कितने कितने टर्म्स होंगे. ओके, तो दिस इज क्वाड्रिनोमियल. क्यों, ये क्वाड्रिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें चार अलग अलग टर्म्स है. फिर एक आता है, वो है पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल्स. टू और मोर टर्म्स, टू से लेके चार पांच छह जितने भी टर्म्स हैं उतने कंटेन करता है, ऐसे एक्सप्रेशन को आप बोलते हो पॉलिनोमियल्स. ओके, पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन और इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू और मोर टर्म्स ऑल टूगेदर. तो यहाँ पे आप इन तीनों को पॉलिनोमियल बोल सकते हो. ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल. क्यों ये तीनों पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पे टू टर्म्स है, फिर यहाँ पे मोर देन टू. ओके, तो ये अपने हिसाब से अलग टाइप के बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल भी इनके सेपरेट नाम है, और आइदर यू कैन कलेक्ट देम और सेपरेट देम और बाइफरकेट देम इन अ क्लास ऑफ पॉलिनोमियल आल्सो. ओके, आप इनको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो और बाइनोमियल भी, इसको भी आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो एंड ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द पॉलिनोमियल. Now we will see the next number or next thing is factor. तो factor क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ. When two or more numbers and literals are multiplied, then each one of them is called a factor of the product. Okay? See, two or more numbers या टू और मोर लिटरल्स
वेरिएबल्स जो हर तो है वो मल्टीप्लाई करके कोई एक टर्म बनता है, तो वो जो सारे हैं वो उसके फैक्टर्स हैं। अभी आप अब देखो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, यहाँ पे 4 इज द न्यूमेरिकल फैक्टर, ये न्यूमेरिकल फैक्टर ओके। एंड बाकी जितने भी आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है ये टर्म है वो है एक्स वाई जेड, तो ये सब फैक्टर्स हैं। 4 इज द फैक्टर ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स का फैक्टर कौन कौन है तो 4 एंड वाई जेड ओके। और यहाँ पे आप इसको न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हो, एंड एक्स वाई जेड तीनों को आप क्या बोलोगे, लिटरल फैक्टर ओके। माइनस एक्स वाई अगर हमने लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ कोई और एग्जाम्पल फैक्टर्स को एक्सप्लेन। माइनस एक्स वाई तो जहां पे माइनस दिया है कोई नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई की गई है, तो इट मींस कि आप उसको -1 लिख सकते हो, कि उसका जो लिटरल फैक्टर नहीं लेकिन न्यूमेरिकल फैक्टर -1 है। एंड एक्स एंड वाई बोथ आर द लिटरल फैक्टर्स ओके। सो दिस इज व्हाट द फैक्टर्स ओके। फैक्टर्स क्या है, दो चीज होती है, कोई भी जो एक एक्सप्रेशन या तो टर्म होता है वो न्यूमेरिकल एंड लिटरल ऐसे दोनों टर्म्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसको आप न्यूमेरिक नंबर है उसको आप न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हो, और नंबर के सिवा के बाकी के जितने भी वेरिएबल्स है उनको आप लिटरल फैक्टर्स बोलते हो। सो जो भी टर्म जिससे भी बना हुआ है वो फैक्टर्स है उसके, ठीक है। मैंने आपको समझाया था जब HCF LCM का जो चैप्टर था तो उसमें हम फैक्टर समझ रहे थे, सेकेंड चैप्टर ऑफ अ टेक्स्ट बुक। सो वी फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर थिंकिंग ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 14 तो आप क्या मल्टीप्लाई करते हो इसमें 2 and 7, तो 14 इज कंसिस्ट ऑफ 2 and 7 ओके। 14 इज मेड अप ऑफ 2 and 7, 2 and 7 की प्रोडक्ट है 14। तो जो दो चीजें मल्टीप्लाइड है या जिसका ये 14 बना हुआ है उसको आप उसके फैक्टर्स बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 4xyz टर्म जो है जिस चीजों का बना हुआ है तो वो नंबर्स या तो लिटरल्स को आप उसके फैक्टर्स बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स वाई जिस नंबर्स का जिस लिटरल्स का बना हुआ है उसको आप उसके फैक्टर्स बोलते हो ओके। नाउ वी शैल सी द नेक्स्ट टर्म इज कोएफिशिएंट्स। इन अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड लिटरल्स एनी वन ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब है जो साथ में है वो ओके। सी इफ आई एम राइटिंग 5ab ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि न्यूमेरिकल फैक्टर 5 है एंड लिटरल फैक्टर ए एंड बी दोनों है, तो यहाँ पे आपको अगर 5 के कोएफिशिएंट्स पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे, ab। क्यों, क्योंकि 5 के साथ में ए एंड बी है। अगर आपको ए का कोएफिशिएंट पूछा है तो आप लिखोगे 5b क्योंकि ए के साथ में 5 एंड बी दोनों है, ठीक है। व्हाट इज कोएफिशिएंट हियर, कोएफिशिएंट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ab। 5 के अलावा जो भी टर्म में है लिटरल्स है न्यूमेरिकल है वो आपको लिख देना है, वो उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ ए, तो ए के अलावा ये वाले टर्म में और कौन कौन है, 5 है और बी है। फिर आपको अगर लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो बी के अलावा कौन कौन है ये वाले टर्म में, 5a। तो ये हो गया कोएफिशिएंट जो साथ में है वो ओके। जिसका आपको कोएफिशिएंट पूछा है उसके अलावा बाकी की जो भी नंबर्स है या तो लिटरल्स है उनकी जो प्रोडक्ट है उसको आप उसका कोएफिशिएंट बोलते हो, ठीक है। वी विल सी द अदर एग्जांपल।
4x2 तो कोएफिशिएंट ऑफ 4, तो 4 के अलावा ये वाले टर्म में और कौन मल्टीप्लाइड है, लिटरल फैक्टर है x स्क्वायर. ओके, देन वी विल सी द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो x के सिवा ये वाले टर्म में और कौन है, 4 है. x स्क्वायर के सिवा ये वाले टर्म में और कौन है, 4 है. तो 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टेंट टर्म. अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशंस हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट टर्म. अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, मतलब मोर देन टू और मोर देन टू फैक्टर्स वाला कोई भी एक्सप्रेशन है, तो उसमें जिस टर्म के पास कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है उसको आप बोलते हो कॉन्स्टेंट टर्म. लिटरल फैक्टर मीन्स क्या, ए बी सी एक्स वाई जेड जो नहीं है वो वाले टर्म को आप बोलते हो कॉन्स्टेंट टर्म. सी इफ आई एम राइटिंग 9x-5, तो ये 5 इज नॉट हैविंग एनी अदर लिटरल टर्म मल्टीप्लाइड विद इट. कोई और लिटरल फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये जो 5 है वो कॉन्स्टेंट है. ओके, -5. ओके, फिर आपके पास आएगा एक और एग्जाम्पल. अगर मैं आपको दूं तो ये है x² + y² + 9. तो ये 9 कॉन्स्टेंट टर्म है जिसके पास कोई भी लिटरल फैक्टर मल्टीप्लाइड नहीं है, ऐसा वाला जो नंबर है एक्सप्रेशन में उसको आप बोलते हो कॉन्स्टेंट. ओके, 9 इज द कॉन्स्टेंट टर्म है. अब आपके पास है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. सी लाइक टर्म्स आर द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स और सिमिलर टर्म्स, एंड अनलाइक टर्म्स नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक और डिसिमिलर टर्म्स. लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर 6th स्टैंडर्ड एज वेल एज इन योर नेक्स्ट ऑल स्टैंडर्ड्स. जितने भी आप आगे जाओगे 10th तक आपको ये श्योरली काम आएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट है वो. सो आई विल एडवाइज यू टू अंडरस्टैंड और टू लिसन देम वेरी नाइसली सो दैट यू कैन बी कंफर्टेबल इन योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स व्हाइल डूइंग मैथ्स. ओके, लाइक टर्म्स क्या होता है, ऐसे टर्म्स या तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके लिटरल फैक्टर्स और उनके एक्सपोनेंट्स जो है वो इक्वल है. फॉर एन एग्जांपल, इफ वी आर राइटिंग 5x y² ओके, एंड अदर वन आई एम गोइंग टू राइट 9x y² हियर यू कैन सी बोथ दिस टर्म्स हैव एक्स एंड वाई इन देयर लिटरल फैक्टर और उनके ऊपर जो पावर है या तो एक्सपोनेंट है वो भी सेम है. यहाँ पे ये वाले टर्म में एक्स के ऊपर 1 पावर है तो ये वाले में भी 1 है, इसमें वाई के ऊपर 2 है तो इसमें भी वाई के ऊपर 2 है. तो ऐसे टर्म्स या तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनके लिटरल फैक्टर्स और उनके एक्सपोनेंट्स जो है या तो उनके पावर है वो एकदम इक्वल है, उनको आप लाइक टर्म्स बोलते हो. ओके, सी अनदर वन एग्जाम्पल, 9x² y, 7x² y. ओके, तो ये हो गए लाइक टर्म, क्योंकि दोनों में x y लिटरल है. ओके, एंड x के ऊपर दोनों में स्क्वायर पावर है. ओके, एक्सपोनेंट या पावर आप जिसको बोलते हो वो दोनों में 2 है, तो मतलब ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स. अब अनलाइक टर्म्स क्या होता है, तो अनलाइक टर्म्स मीन्स इनका रिवर्स, जिसमें लिटरल फैक्टर्स अगर इक्वल भी होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट इक्वल नहीं होते हैं या तो लिटरल फैक्टर्स इक्वल नहीं होते हैं. ओके, अनलाइक टर्म्स और डिसिमिलर टर्म्स यू कैन से. फोर एक्स वाई एंड 9
by z. Here you can see both these terms have different literals. यहाँ पे literals ही अलग है. फिर literal के ऊपर exponent अलग होंगे या नहीं होंगे उसकी तो कोई जरूरत देखने की है ही नहीं, क्योंकि literals ही अलग है. यहाँ पे x y है, यहाँ पे y z है, तो match नहीं हो रहे हैं. तो these two can be called the unlike or dissimilar terms. और as you can say 3y square and minus 9xy. तो यहाँ पे भी literals different है, literal के ऊपर जो exponent है वो भी different है. ओके 5xy square and 5x square y. यहाँ पे भी आप देख सकते हो literals तो सेम है, लेकिन literals के ऊपर जो exponents है वो दोनों में different है. यहाँ पे x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब one exponent है, यहाँ पे square है. यहाँ पे y के ऊपर square है, तो यहाँ पे y अकेला है. तो actually क्या है, आपको dissimilar या तो similar जो terms है उनका concept, like या unlike का concept क्या है. अगर like term होते हैं तो literals और उनके exponents दोनों सेम होने चाहिए, और अगर अनलाइक एंड अनलाइक या डिसिमिलर टर्म्स हैं तो उनके लिटरल्स भी डिफरेंट होंगे, या अगर लिटरल्स इक्वल भी है तो उनके ऊपर जो पावर्स है या तो एक्सपोनेंट्स है वो अलग होंगे. ओके तो दिस इज द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट और नाउ द लास्ट थियोरी इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. If values of all literal numbers appearing in a given expressions are known, on replacing these literals by their numerical values, we obtain an arithmetic expression which can be evaluated. अगर आपको 9x minus 5x का expression दिया है, or else you are given only 9x, तो x को replace करने के लिए आपको कोई numerical value दी है, तो वो numerical value आप इसमें लिखोगे, तो पूरा जो टर्म है उसकी वैल्यू एक एरिथमेटिक नंबर आ जाएगी, या तो आप उसको इवेल्युएट कर पाओगे ऐसा कोई नंबर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 9x मैंने आपको दिखाया, या तो फिर 3x स्क्वायर y अगर आप लिखते हो, तो आपको x एंड y को रिप्लेस करने के लिए कोई नंबर दे देते हैं, वो नंबर आप इसमें डाल देते हो, तो ये जो पूरा टर्म या तो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू एक न्यूमेरिकल फिगर हो जाता है जिसको आप इवेल्युएट कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना, फाइंड आउट करना जो है, वो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में सीखेंगे. यहाँ पे उसका एग्जांपल मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन अबाउट द वैल्यू. ओके सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द थियोरी फॉर टुडे, एंड नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज नंबर. एज यूजल आई विल डू और सॉल्व सम ऑफ द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज, एंड रिमेनिंग ऑल सम्स यू विल हैव टू ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस बाय ऑन योर ओन. ओके सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज नंबर 8B, क्वेश्चन नंबर 1. नंबर वन इज ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू थ्री, ए प्लस बी. क्वेश्चन नंबर वन, ए की वैल्यू आपको दी है एंड बी की भी आपको वैल्यू दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर वन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी. तो ए के बदले में क्या लिखूंगी, गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू टू, एंड बी के बदले में लिखूंगी थ्री. तो टू प्लस थ्री विल बी फाइव. So 5 will be the numerical value of this expression, okay, or this term. Number 2, a square plus ab. A के बदले आपको लिखना है 2, तो अगर a के ऊपर square है तो 2 का भी square होगा. ठीक है, ab, a and b are given together, it means they are given multiplied together. So 2 and 3, 2 square, that means 2 into 2 and 2 multiplied by 3,
2 2 4 4 + 6 = 10। ओके, जो आपको वैल्यू दी है वो आपके लिटरल से उनकी जगह पे आपको रिप्लेस करके लिखनी है। Then you will have to explore them if they are connected by any mathematical basic operation or not. अगर ये प्लस से कनेक्टेड है तो फिर आपको एडिशन करना है, जैसे ये दोनों लिटरल्स है वो मल्टीप्लाइड है तो हमें भी इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ओके, वी विल हैव टू बी केयरफुल, जस्ट वी विल हैव टू नोटिस देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज इफ वी आर राइटिंग देम राइट और नॉट। नंबर थर्ड इज ए बी माइनस ए स्क्वायर। ए बी मीन्स दे आर मल्टीप्लाइड, तो 2 × 3 माइनस ए स्क्वायर, तो ए के बदले आपको क्या लेना है 2 2 स्क्वायर। ओके, 2 3 = 6 एंड 2 स्क्वायर्स मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाइड 2 times, 6 − 4 विल बी 2, सो हियर 2 विल बी द आंसर, हियर इट विल बी 10, हियर विल बी 5। ओके, सो दिस वे यू विल हैव टू डू द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज नंबर 8B। Okay, 1, 2, 3 I have done. 4, 5, 6 you will at least try to find out the solutions. आप at least try करोगे solution find out करने की, ठीक है? Question number 2, आपको x, y and z जो literals हैं, उनकी numerical value दी है and उसके ऊपर से आपको जो expression दिया है उसकी value find out करनी है, ठीक है? Question number 2, x is equals to 1, y is equals to 2. And z is equals to 5. Okay, in this one, I am doing number 1. 3x − 2y + 4z. थ्री के साथ x मल्टीप्लाइड है तो हम x के बदले 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 1 दिया है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। 2 के साथ y मल्टीप्लीकेशन में है तो हमें y के बदले लिखना है 2 एंड 4 के z है तो z के बदले हमें लिखना है 5। ओके, 3 1 = 3, 2 2 = 4 एंड 4 5 = 20। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट इन द मास और अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल वी विल ऐड फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्शन वी विल डू, सो 3 + 20 विल बी डन फर्स्ट एंड -4 विल बी taken out. 23 − 4 will give you 19 in the answer. So this way you will have to solve all the expressions according to the given value. जो value आपको दी है उसके साथ आपको replace करना है x, y, z को. Number 2 of question number 2 I am doing, which is x² + y² + z² आपको क्या लिखना है 1, ओके, okay? y के बदले आपको लिखना है 2 एंड इन प्लेस ऑफ z यू विल राइट 5। 1 विल बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, देन 2 विल बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स एंड इन लास्ट 5 विल बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। 2 2 = 4 एंड 5 5 = 20। 1 + 4 = 5 and 5 + 25 will be 30. Okay, so this is question number 2 and in which I have done number 2. Now, number 3. 2x² - 3y² + z². will be multiplied by x square. तो x के बदले आपको क्या लेना है 1, ओके, 3 will be multiplied by y square. तो y के बदले आपको क्या लेना है 2 and at last z square. तो z के बदले आपको लिखना है 5. ओके, 2 × 1 × 1, ओके, 2 times 1 will be multiplied. Then 3 × 2 × 2,
देन टू टाइम्स फाइव विल बी मल्टीप्लाई टू वन जार टू थ्री टू जार सिक्स टू जार ट्वेल्व एंड फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव will be the answer. Okay. So these were remaining sums of question number 2. You will try to solve on your own. Question number 3. P, Q and R की value आपको दी है. उसमें से आपको given expressions की value find out करनी है. Expressions में जितने भी terms हैं, उसमें जितनी times P, Q and R use किया है, उनको उनके numerical given value है, उससे replace करना है. ठीक है? So question number 3, P is equals to minus 2, Q is equals to minus 1 and R is equals to 3. I'll do number 2 directly, that is 2p square minus q square plus 3r square. Okay, minus 2 will be multiplied 2 times. Again, minus 1 will be multiplied 2 times. 3 and 3 will be multiplied 2 more times. Here 2 2s are 4, 2s are 8. Okay, minus 1 1s are 1. Plus 3 3s are 9, 3s are 27. 2 टाइम्स नेगेटिव आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलता है. लेकिन यहाँ पे ये वाला जो नेगेटिव है उसको हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, हियर आल्सो 2 टाइम्स नेगेटिव 2 विल बी मल्टीप्लाइड एंड इट विल गिव यू पॉजिटिव 4 इन द आंसर. ओके, 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8. नाउ 8 प्लस 27 माइनस 1. 8 प्लस 27 विल गिव यू 35 माइनस 1. 34 will be the answer. Number 4 I will do now. जो मैं नहीं कर रही हूँ वो हमें छोड़ने नहीं है, हमें उनको खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है. ठीक है, आप उसको खुद देख लेना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब. Plus 3PQR. 3PQR. P के बदले आपको लिखना है माइनस 2. ओके, Q के बदले आपको लिखना है माइनस 1. R के बदले आपको लिखना है 3. जो न्यूमेरिकल फैक्टर 3 है वो एज इट इज रहेगा. P के बदले आप लिखोगे माइनस 2. Q के बदले आप लिखोगे माइनस 1. एंड आर के बजाय आप लिखोगे 3. माइनस 2 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. व्हेन अ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड फॉर द ऑड नंबर ऑफ टाइम्स सो इट विल गिव यू द नेगेटिव आंसर. ओके, ऑड नंबर यहाँ पे आप 3 टाइम्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो यू ऑलरेडी नो दैट 3 इज एन ऑड नंबर. ओके, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट नेगेटिव. जो आंसर आपको मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा. ओके, माइनस 1 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. प्लस 3 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स.
प्लस माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज टू वन आर टू थ्री टू थ्री टू टू आर फोर फोर टू आर एट योर एट विल बी नेगेटिव ओके एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड फोर एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स विल गिव यू द नेगेटिव आंसर माइनस वन प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री टू जार सिक्स थ्री जार एटीन ओके माइनस एट प्लस माइनस माइनस वन प्लस ट्वेंटी सेवन एंड एटीन विल गिव यू फोर्टी फाइव ओके माइनस एट माइनस वन विल बी माइनस नाइन एंड प्लस फोर्टी फाइव नाइन में से अगर आप फोर्टी फाइव कट करते हो या 45 में से 9 कट करके आपको आंसर मिलता है 36, ओके माइनस प्लस माइनस माइनस करना है और आंसर जो है वो ग्रेटर डिजिट सॉरी आंसर का जो टाइप है वो जो ग्रेटर डिजिट का टाइप है वो होगा तो 45 ग्रेटर है वो पॉजिटिव है इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. आपको सबसे इजी क्वेश्चन सब स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है यहाँ पे जहां तक आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो थोड़ा कैलकुलेशन था ओके थोड़ा आपको केयरफुली करना पड़े ऐसा था. अब आपके पास बहुत सारे इजी चीजें आ रही है एक्सरसाइज में सो वी विल सी देम. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन 13x तो x के सिवा ये 13x जो टर्म आपको दिया है उसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करके दिया x के अलावा 13 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x ओके 13x टर्म है उसमें आपको x का कोएफिशिएंट क्या है मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करके आपको दिया है वो आपको लिखना है तो इट विल बी 13 ओके x के अलावा क्या है वो y इन माइनस फाइव वाई ओके y के साथ कौन आपको मल्टीप्लाई करके दिया है इसमें माइनस फाइव ओके माइनस फाइव इज द कोएफिशिएंट ऑफ y A in 6AB. A in 6AB. तो A के अलावा और कौन से न्यूमरल न्यूमेरिकल एंड लिटरल फैक्टर्स है इस ये वाले टर्म में 6B. ओके A के सिवा कौन है वो सारे लिटरल एंड न्यूमेरिकल जो टर्म्स है उनकी आपको प्रोडक्ट लिख लेनी है मल्टीप्लाई करके ठीक है Z in 7XZ. माइनस सेवन एक्स जेड तो आपको जेड के सिवा ये वाले टर्म में क्या दिख रहा है माइनस सेवन एंड एक्स तो माइनस सेवन एक्स विल बी द आंसर ओके सो दिस वे यू विल राइट डाउन द रिमेनिंग नंबर्स इन विच यू हैव टू राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस लिटरल और न्यूमेरिकल फैक्टर्स. राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ए बी. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स लिखने हैं ओके लिटरल कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं. नंबर्स कौन से मल्टीप्लाइड है वो टर्म में वो ही आपको लिखना है ठीक है तो ए बी में आपको कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड लग रहा है जहां कुछ भी नहीं होता है वहां 1 मल्टीप्लाइड होता है ठीक है. नंबर 2 माइनस 6bc तो आपको क्या करना है इसमें नंबर कौन सा है माइनस सिक्स ओके वही लिखना है क्योंकि आपको बोला है न्यूमेरिकल फैक्टर्स लिखने के लिए सेवन एक्स वाई जेड सेवन सो दिस वे यू विल राइट डाउन द रिमेनिंग नंबर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं लेकिन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ही लिखने हैं बाकी के ये x, y, z, लिटरल से उनको आप टोटली अवॉइड करने वाले हो ठीक है तो जो नंबर्स है वही आपको लिखने हैं.
क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ, कॉन्स्टेंट मतलब क्या, जिसमें सिर्फ नंबर का यूज किया है, कोई भी वेरिएबल का या तो लिटरल फैक्टर का यूज नहीं किया गया है। तो फर्स्ट नंबर में ऐसा कौन सा टर्म है, सी 3x² + 5x + 8, ओके, तो 3x² + 5x + 8, यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट टर्म दिए हैं, थ्री डिफरेंट टर्म्स यू आर गिवन, सो यर एक्स द लिटरल फैक्टर इज मल्टीप्लाइड, यर ऑल्सो द एक्स इज मल्टीप्लाइड, एंड विदाउट एनी लिटरल फैक्टर 8 इज ऑल अलोन, सो दिस विल बी कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट टर्म, ओके, सो हियर 8 इज द कॉन्स्टेंट टर्म। क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई भी लिटरल फैक्टर मल्टीप्लाई करके नहीं दिया गया है, ये सिर्फ नंबर है अपने आप में। देन 2x² - 9, नंबर 2 - 9, तो यहाँ पे कौन है कॉन्स्टेंट टर्म, -9, ओके, -9 इज द कॉन्स्टेंट टर्म। 3 and 4 आपको खुद करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन द फॉलोइंग, कौन से मोनोमियल्स है कौन से बाइनोमियल्स है आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है, ओके, तो दिस इज द इजीएस्ट टास्क। आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट पार्ट्स यू विल हैव टू मेक इन योर फेयर नोटबुक एंड देन यू विल हैव टू राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। नाउ सी, फर्स्ट जो है उसमें लिखा है -2xyz, तो वो मोनोमियल है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई फिर दूसरा प्लस या माइनस करके आपको दूसरा सम करने, दूसरा कोई भी नंबर या लिटरल फैक्टर कनेक्ट करके नहीं दिया है, तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ मोनोमियल। देन 5 + 7³y³z³, तो इट विल कम इन बाइनोमियल, क्योंकि 5 उसके बाद प्लस दिया है एंड उसके बाद दूसरा टर्म दिया है, तो यहाँ पे टोटली 2 टर्म्स है, सो इट विल अपियर इन बाइनोमियल्स कॉलम, ओके। देन -5x³, सो इट विल कम इन मोनोमियल, क्योंकि वो एक ही टर्म है, उसके बाद कोई दूसरा आपको टर्म दिया नहीं है। a + b - 2c, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिए हैं, तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ ट्राइनोमियल। सो दिस वे यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन टाइप, आपको टाइप आइडेंटिफाई करके उसको वो वाली कैटेगरी में या कॉलम में आपको खुद लिखना है। मैंने आपको 4 नंबर तक लिखवाया है, बाकी 5 से लेके 8 नंबर तक आप खुद उसको कैटेगराइज करोगे, ठीक है। नाउ वी विल सी द 8 नंबर, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स लिखने हैं सिर्फ, ठीक है। सो दिस वन ऑल्सो वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपको एक साथ में बहुत सारे एल्जेब्रिक टर्म्स दिए हैं, उसमें से आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के दिया है, तो आपको उसके टर्म्स जो है वो डिफरेंट करके या तो सेपरेट करके लिखने हैं, ओके। 4x⁵, 6y⁴, 7x² एंड -9, ओके। हियर यू कैन सी यू आर गिवन 1, 2, 3 and 4 टर्म्स टुगेदर कनेक्टेड बाय माइनस प्लस एंड माइनस ऑपरेशंस, ओके। माइनस प्लस एंड माइनस से आपको कनेक्ट करके दिया है, आपको वहीं से उसको सेपरेट कर देना है, तो हियर वी विल राइट डाउन द टर्म्स, 4x⁵ -6y⁴, 7x² एंड -9, ये 4 अलग अलग टर्म है जिनको माइनस एंड प्लस एंड माइनस से कनेक्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। सो दीज आर 4 टर्म्स
Now, next number 2 of question number 8 you will do on your own. Identify the like terms in the following. Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लाइक टर्म्स ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, माइनस टू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड 4a. हियर यू कैन सी वी आर गिवन 4 डिफरेंट टर्म्स. टर्म्स आपको दिए हैं लेकिन वो किसी अल्जेब्रिक और मैथमेटिक एक्सप्रेशन से कनेक्टेड नहीं है. प्लस या माइनस से ज्वाइंट करके आपको नहीं दिया, मतलब ये आपको एक्सप्रेशन नहीं दिया है, आपको ये टर्म दिए हैं. अब इसमें से कौन से टर्म्स लाइक टर्म्स या तो सिमिलर है. तो मैंने आपको लाइक टर्म्स जब एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था मैंने कि जिनके लिटरल टर्म्स और एक्सपोनेंट्स दोनों इक्वल होते हैं उनको आप लाइक टर्म्स बोलते हो. तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन ए स्क्वायर. सो दीज टू विल बी द लाइक टर्म्स. ये बी स्क्वायर है तो इसका ए के साथ कोई मैचिंग नहीं होना है, ठीक है? ये भी सी है तो सी के साथ भी कोई और मैचिंग टर्म आपको दिया नहीं है. और यहाँ पे 4a है तो a के ऊपर स्क्वायर नहीं दिया है तो ये भी लाइक टर्म्स में नहीं गिना जाएगा. तो यह a स्क्वायर एंड माइनस 2a स्क्वायर आर लाइक टर्म्स. नंबर 2, 3x 4xy माइनस वाई जेड एंड 1/2zy. सी x एंड यहाँ पे एक्स वाई, तो ये दोनों टर्म तो लाइक होंगे ही नहीं. अब आप यहाँ पे देखो वाई जेड है एंड यहाँ पे जेड वाई है तो अल्टीमेटली दोनों के लिटरल फैक्टर्स है वो इक्वल है और दोनों के ऊपर जो पावर या तो एक्सपोनेंट है वो भी सेम है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे यहाँ पे, ठीक है? y z एंड 1/2 z y आर लाइक टर्म्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8b. नाउ रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 यू विल हैव टू ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. कौन से लाइक टर्म्स है वो आपको फाइंड आउट करके उनकी पेयर बना के लिख देना है. लाइक टर्म आप किसको बोलोगे जिनके लिटरल फैक्टर्स और पावर या तो एक्सपोनेंट ऑफ लिटरल फैक्टर्स इक्वल होंगे उनको आप लाइक टर्म्स बोलते हो, ठीक है? तो जो बाकी के टर्म्स है उनका इग्नोर कर दो, जो लाइक है उनका कलेक्ट करके आंसर में लिख दोगे, ठीक है? सो वी आर एंडिंग अप आवर एक्सरसाइज नंबर 8b हियर. And for today, we are also ending up our video lecture. Thank you everyone for watching my video.